नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक और नए यूनिक्स लाइव के वीडियो में। आज कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होने वाला, ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग रहने वाला है, लेकिन हाँ स्टम्बल गाइस का वीडियो है। एंड ये वीडियो होने वाला है डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आप कस्टम ज्वाइन करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका गेम, अगर आप नॉर्मल गेम खेलते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका गेम, अगर आप टूर्नामेंट खेलते हैं या कोई इवेंट खेलते हैं तो भी आपका गेम डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप एकदम सही वीडियो पे आए। आज हम आपको 7 रामबाण सोल्यूशन बताने वाले हैं इस डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम के। ठीक है, मेरे चैट में बहुत सारे बंदे आते हैं डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम लेके, तो उनको मैंने वादा किया है कि हम आपका डिस्कनेक्ट सोल्यूशन का एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो आ चुका है वो स्पेशल वीडियो, एंड तक वीडियो देखना मत भूलना। अगर आपने एंड तक वीडियो नहीं देखा तो फिर शायद आपका डिस्कनेक्ट होता ही रहेगा। ठीक है, एंड तक वीडियो पूरा देखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की ओर। मेरी मोबाइल स्क्रीन आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये है मेरी मोबाइल स्क्रीन जिसमें स्टंबल गाइस इंस्टॉल्ड है, एंड यहां पर देखिए स्टंबल गाइस मेरी एकदम ठीक ठाक से चल रही है। ठीक है, तो यहां पर स्टंबल गाइस मेरी ठीक ठाक से चल रही है। एंड यहां पर अगर बात करें पहले सॉल्यूशन की, तो पहला सॉल्यूशन है आपको अपना ऊपर शटल खोलना है, एंड यहाँ पर आपको जहां से आप डेटा एंड वाईफाई ऑन करते हैं ना, वहां पे ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उनमें से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। बस एक एयरप्लेन मोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आपका नेटवर्क इशू और उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है तो शायद ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो नेटवर्क इशू है, एयरप्लेन मोड 5 सेकंड के लिए ऑन कीजिए, फिर ऑफ कर दीजिए। ठीक है, फिर स्टंबल गाइस में जाके देखिए क्या अभी भी आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है। होपफुली नहीं होगा डिस्कनेक्ट, अगर हो रहा है तो आपका नेटवर्क इशू नहीं है, आपका कुछ और इशू है। ठीक है, फिर सबसे बड़ा इशू जो होता है, सबसे बड़ा सोल्यूशन जो होता है, जो सारे यूट्यूबर्स बताते हैं लेकिन वर्क नहीं करता है, लेकिन आप एक बार ट्राई कर देखिए आपका वर्क करता है कि नहीं। आप स्टंबल गाइस जहां पर भी आपका एप्लीकेशन है उसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, फिर ऐप इन्फो में जाइए, एंड अगर वहां से नहीं खुलता है तो फाइल्स में जाके, एप्स में जाके स्टंबल गाइस में जाइए, एंड यहां पर आपको क्लियर कैचे एंड क्लियर डेटा के दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जहां पर आपको क्लियर कैचे करना है, सबसे पहले देखिए मैं क्लियर कैचे करके आपको दिखा देता हूँ। क्लियर कैचे कर दिया आपने, उसके बाद आप स्टंबल गाइस ओपन करके देखिए क्या अभी भी आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो तीसरा सोल्यूशन है, आपको क्लियर डेटा करना है। ठीक है, किसी को भी क्लियर कैचे क्लियर डेटा से पहले नहीं करना है, पहले क्लियर कैचे ही करना है फिर ही क्लियर डेटा। अगर आपने क्लियर डेटा पहले कर दिया तो शायद आपका ये डिस्कनेक्ट ग्लिच फिर से हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्लियर कैचे करना है फिर क्लियर डेटा करना है। ओके, ये दोनों करके देख लिया, फिर भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, होपफुली होगा तो नहीं लेकिन फिर भी हो रहा है, बहुत कम परसेंटेज लोगों का ऐसा होता है कि अभी भी हो रहा है डिस्कनेक्ट, तो आपके मोबाइल में एक प्रॉब्लम है। आपको आपकी स्टोरेज शायद फुल होगी, मेरी देखिए 1-2 GB स्टोरेज हमेशा मैं खाली रखता हूँ, कभी भी मेरी देखिए 64 GB में से 62 GB मेरी भरी हुई है, यानी कि 2 GB खाली है। ठीक है, तो आपको स्टोरेज 1 या 2 GB हमेशा खाली रखनी है। अगर आप स्टोरेज फुल रखेंगे तो हमने जो क्लियर कैचे किया ना, आप कोई भी ऐप यूज करते हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता एक अब बता देता हूँ, आप कोई भी ऐप यूज करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं तो पीछे वो गेम अपना डेटा बनाती जाती है। ठीक है, 1 MB, 2 MB, 3 MB, 4 MB, तो उसको बनाने के लिए उसको स्पेस चाहिए। ठीक है, तो उसको वो स्पेस मिलेगी कहाँ से, मिलेगी कहाँ से अगर आपकी स्टोरेज ही फुल है। ठीक है, तो आप हमेशा स्टोरेज खाली रखिए, वरना ये डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम यहाँ पर कोई भी ऐप में, स्टंबल का इसमें नहीं, कोई भी ऐप में लैग होगा, डिस्कनेक्ट प्रॉब्लम होगा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो स्टोरेज हमेशा 1 या 1.5 GB खाली रखिए, फिर देखिए अगर स्टंबल गाइस नहीं चले ना, फिर देखिए भाई अगर नहीं चले तो 3 सॉल्यूशन और है हमारे पास, टेंशन ना ले, 4 सॉल्यूशन ही हुए हैं अभी तक। ठीक है, अब देखिए 5वां सॉल्यूशन है, 5वां सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन तो वर्क कर जाएगा स्टोरेज वाला, 1-2 GB स्टोरेज खाली करके देखो चल जाएगी स्टंबल गाइस। अब 5वां सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन ये एक टिप है कि आप स्टंबल गाइस के न्यू अपडेट का वेट कीजिए, बहुत ज्यादा जल्दी न्यू अपडेट आने वाला है स्टंबल गाइस का। ठीक है गाइस, और वो बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है, 0.48.1 अपडेट। ठीक है, और उस अपडेट में शायद ये डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम फिक्स कर दिया है स्टंबल गाइस वालों ने, मे बी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मे बी उन्होंने फिक्स कर दिया है। एंड फिर अपडेट का वेट कीजिए, एंड अभी भी आपका अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन 2 सोल्यूशन अभी आगे हैं वो वर्क करें, तो अभी के अभी वर्क करा लीजिए उसको। ठीक है, 2 सोल्यूशन और हैं आगे अपने। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अगर आपका अभी भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपडेट का वेट कीजिए, नहीं तो दूसरा 6ठा सोल्यूशन है हमारा, आप प्ले स्टोर पर जाइए, आप प्ले स्टोर पर जाइए, क्या खुल रहा है, अब आप स्टंबल गाइस को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए। ठीक है, स्टंबल गाइस को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए, ओके, और कुछ नहीं, अनइंस्टॉल करो फिर इंस्टॉल करो स्टंबल गाइस को, और कुछ नहीं। ठीक है गाइस, फिर स्कैम ऑफ हो गया बीच में, चलो कोई नहीं, अब अनइंस्टॉल इंस्टॉल करके भी आपका ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपडेट का भी तो आपको करना ही है,
लेकिन अब सबसे बेहतर सोल्यूशन आपको बताऊंगा, सबसे बेहतर नहीं मतलब एक वन ऑफ द बेहतर सोल्यूशन, कि आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है और ऊपर सर्च में जाना है, लिखना है अपडेट, ठीक है, और सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है, चेक कर रहे हैं अपडेट के कि मेरा अपडेटेड है, देखिए एंड्रॉयड 11 रियलमी यू आई 2.0, देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट मेरा हो चुका है, ठीक है। अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया हुआ हो तो उसको कर लीजिए अपडेट आप, एंड नहीं किया हुआ हो तो कर लीजिए अपडेट, फिर देखिए डिस्कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, अभी भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो एक और सोल्यूशन है, आखिरी सोल्यूशन, आप एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट देखिए, ठीक है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट आपका किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे अपडेट आते हैं आपको सेटिंग्स में, सारे अपडेट एक बार चेक कर लीजिए कि सारे अपडेट्स आपके किए हुए हैं कि नहीं, ठीक है, बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो बस यहीं तक था हमारा वीडियो, एंड आखिरी आखिरी सोल्यूशन तो आपको एक बार पता ही है, आखिरी तो एक बार आपको पता ही है कि मतलब क्या करना है आप लोगों को, अपडेट का वेट करना है। अगर आपका ये जो 6 सोल्यूशन मैंने बताया अपडेट को छोड़ के आपका सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो आपको अपडेट का वेट करना है। अपडेट बहुत 2-3 दिन में या 4-5 दिन में आ ही जाएगा, अपडेट के बाद में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी, तो अपडेट का वेट करिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था, डिस्कनेक्ट का ग्लिच सॉल्व हो गया। थैंक यू लिख दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड लाइक सब्सक्राइब मार दीजिए, जिसका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है एक बार फिर कमेंट में लिखिए, जिसको मतलब और सोल्यूशंस पता है और कमेंट में लिखिए, इसका पार्ट 2 भी ला सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए गुड बाय गाइस, सब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसमें पता हूँ कौन सा था गाइस, सबसे बेस्ट सोल्यूशन था इसमें जो स्टोरेज खाली करने वाला था ना, 1 या 1.5 GB स्टोरेज आप अपना खाली रखिए ही रखिए, ठीक है, वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। उसके अलावा शायद कोई सोल्यूशन वर्क ना करे ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सोल्यूशन वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है, तो वो एकदम रखिएगा, स्टोरेज हमेशा खाली रखिएगा, कोई भी ऐप आपका लैग नहीं करेगा, डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस, गुड बाय, टाटा, पीस आउट, जय श्री राम, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगला वीडियो ट्यूटोरियल का वीडियो आएगा, कौन सी ट्रिक का ट्यूटोरियल लाएं या फिर कैसा वीडियो लाएं, नहीं अगला Q&A वीडियो आएगा, तो Q&A में कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है, जाकर Q&A पूछना मत भूलें, एंड थैंक्स फॉर 2K सब्सक्राइबर्स गाइस, थैंक्स, बाय।